Tell it. No, no, that was says, hi everyone, this is Subhash and I'm from Service Bureau. Mera aaj ka kaam hai comedy. Comedy, stand-up comedy. Sab kuch, sab koi abhi happy dikh raha hai yaar. Aaj ka din to bahar hai bas. Pata nahi kya hua. Aaj ke din na Schneider Electric mein phool kam khilte hain, chehre bahut khilne lag gaye hain. Pata hai kyun? Kyun bolo? Trend bhi uthte hai. Sab ki mobile mein message aati hai. बस हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस यार. दिल क्या एक महीने भी पढ़वा के काम करो, एक दिन का वो मैसेज यार पूरा टेंशन ले लेता है ना. दिल में ना कोई भी ऐसा वाला रिंगटोन हमको अच्छा नहीं लगता है. वो मैसेज वाला रिंगटोन जितना अच्छा लगता है ना, सच्ची में बोलता हूँ, कोई भी रिंगटोन इतना अच्छा नहीं लगता है. वो वाला मैसेज ऐसे खोलते हो, क्रेडिटेड बैलेंस बस. लेकिन एक बात और भी सुन लो. Is calling there. आज की दिन तो बस हैप्पीनेस वाले दिन है. सब कोई मजे उड़ाएगा. अपना जो जो अपना ईएमआई वाला रहेगा, ईएमआई भरेगा. जो अपना शॉपिंग रहेगा, शॉपिंग सब भरेगा. लेकिन ये बात ना, वही मैसेज इतना दर्द देती है. कब पता है? जब ना बीवी शॉपिंग करती है गर्लफ्रेंड के लिए, तो वो मैसेज डेबिटेड वाला मैसेज आता है. इतना ही दर्द होता है भाई. एक रिंगटोन हैप्पीनेस भी देती है और दर्द भी रहती है. वही क्रेडिट और डेबिटेड वाले. और एक बात बोलने वाली थी यार. अरे इंडिया वालों को देखिए, अपना ना उंगली करनी बहुत मजा आता है. इंडिया वालों को बगल वाले में उंगली. आजकल तो एक और माहौल बना के रखा है यार. उंगली करते हैं. और रिसेंटली पिछले हफ्ते भी इलेक्शन हुआ था ना. उंगली, अच्छा वोट किया तो किया, ये क्या उंगली दिखाते हो, सबको उंगली दिखाते हो. एक बंदे ने बोलता है इलेक्शन वाले आइडिया से, सर इधर बीच में लगाओ. बीच में क्या है ऐसा दिखाने के लिए. अरे हाँ हद है यार. व्हाट्सएप में उंगली दिखा रहे हो, स्टेटस पे उंगली दिखा रहे हो, फेसबुक पे उंगली उंगली उंगली, हर किसी तक जगह पे उंगली. चला सोता हूँ तो भी उंगली ही याद आती है यार. इतनी उंगली करते हैं इंडिया वाले भाई, हद होती है यार. अरे आगे वाली टॉपिक बोलना चाहता हूँ साला. ये आईपीएल का ना बोर का धमाके वाली चढ़ी है ना. इंडिया वालों और एक भी चढ़ी रहती है सट्टेबाजी. आईपीएल आता है तो बंदे ना एकदम सट्टे पांडवों को बीट कर देते हैं सट्टेबाजी में. तो साला मेरा दोस्त एक था गुरुप्रसाद बोल के, उसको एक बार देखा मैं कार में जा रहा था. I-20 कब रही, तू सर्विस इंजीनियर, साला कार कब ले ली. बोलता है आईपीएल का सट्टेबाजी. एक बरस बीता, नेक्स्ट टाइम नया गाड़ी पल्सर में बना. इस बार भी आईपीएल में तू पल्सर खरीद ली. नहीं साले वो बेच दिए, खरीद ली उसमें आया इस बार गया. बस हद होता है यार हमारी सट्टेबाजी में भी. और एक और चीज आपने देखी होगी हमारे इंडियन एड्स की, तो बस भले ही कुछ भी कर देते हैं यार. तो संतूर की एड तो आप लोगों ने देखी होगी. आती है बच्ची, मम्मियों का गिटार बजाता होगा, लेकिन एल्डर सर नाटर और बोलती है मैं तो अभी बच्ची हूँ मम्मी. वही साबुन जो अम्मा लगाती है उसका हस्बैंड भी लगाता है, उसकी नानी भी लगाती है, उसका नाना घर बार पूरा साबुन. लेकिन ये बंदी अकेली यंग रहेगी, बच्चे की बहन भी बन जाएगी, लेकिन ये पूरे के पूरा खानदान बूढ़ा रहेगा. ये अकेली यंगस्टर वो बच्चे की बहन भी दिखा देंगे अगले वाले आड़ में. और एक वो थम्सअप वाला रणवीर आता है. रणवीर आके थम्सअप पीता है या वीड पीता है या क्या पीता है यार, दारू पीता है. इतना भागता है, अगर डॉक्टर से जाके पूछो डॉक्टर बोलता है थम्सअप पीने से साला बोन मैरो होता है. माँ बहन की गाली देता है, ये साला पी के तो पहाड़ कूद रहा है यार. हद है, कुछ भी कर देते है ना अपने एड वाले. तो ऐसा ही चलता रहता है. आओ एक बात और बोलना चाहता हूँ. आजकल की ना जमाने में तो शादी एकदम हैप्पीनेस वाली है, बिंगिंग स्माइल शादी. अपने गली में एक बंदी थी स्वाति बोल के, बस बंटी के साथ पुराने उसको पल्सर में घुमा करती थी यार. एक महीने में पहले इधर ही घुमा था, देखा था, फिर कल दो दिन के पहले देखता हूँ फेसबुक में डाली है आई एम इन इंग्लैंड विथ माई हैप्पी बंदा. मैंने सोचा कि बंटी पास जाके तो पहला बंदा NRI है भाई. हदे यार आजकल की लड़कियों की, साला इधर पल्सर छोड़ दी उधर टॉपलेस गाड़ी लेके घूम रही है यार. हदे यार, तो वो वेरियस स्टेजेस होती है ना अपना शादी में. एकदम मस्त वाला है. पहला होता है प्री वेडिंग शूट यार. 1.5 लाख 2 लाख देते है प्री वेडिंग शूट के लिए. साला लेके जाके वो कहां पर प्री वेडिंग शूट कराता है, अपने गांव के बाहर तालाब में. साला वो भी क्या भैंस के साथ ऐसा पकड़ के. अरे यार 1.5 लाख साला ये भैंस के साथ ऐसा पकड़ के फोटो खिंचवाने थोड़ी दी थी. वो भी नागिन वाले फोज, ऐसे वाले फोज. अजीब है यार 1.5 लाख लेके साला तालाब में कोने में जाके एसी वाली. और आके नेक्स्ट वाला आता है
एक वाला संग ये वाला हो गया, कौन सा वाला? अपना पहला वाला फोटोशूट, अगला वाला आता है अपना संगीत वाला प्रोग्राम और मेहंदी वाला। मेहंदी वाली तो और भी बढ़िया है यार, मेहंदी में बस ऐसे सब ना हाथ में मेहंदी लगा के साले भिखारी बने रहते हैं ऐसा, नहीं तो ऐसा बाबा जी बने घूमे रहते हैं, ऐसा घूमते रहते हैं ना बस। वो एक बंदा मेहंदी लगाने वाला होता है, मेहंदी लगाने के बाद ना बस अजीबो गरीब की दास्तान उनको सुननी है। दीदी दीदी तुम्हारी ना मेहंदी रंग ला गई, जीजा जी बहुत प्यार करते हैं, हाँ बहुत प्यार करते। मैं चल हट साली, बंटी ने पीछे 3 बरस से प्यार किया उससे नहीं मिली, वो NRI उधर अंग्रेजों के साथ रंग चढ़ा रही है और तेरे को मेरी हाथ की रंग पड़ी है, बस अजीबो गरीब। और नेक्स्ट आता है संगीत का प्रोग्राम। भाई संगीत का प्रोग्राम तो ऐसे बंदे बस पूरे का पूरा तगड़ा नाचने के लिए रेडी होके आता है। एक बंदा हमारे अंकल का बेटा आया नाचने के लिए, एक गाना बजा, मैं ऐसा क्यों हूँ मैं ऐसा, उसका चेहरा देखते ही सब गाली देने लगे। अगर पहले अपना खुद का चेहरा देख ले जा, बारिश के मौसम में पैदा हुआ छतंदर के बच्चे, तो मैं ऐसा हूँ। गाने भी अजीब किस्म के होते हैं। फिर आता है यार बारात, अल्टीमेट चीज होता है यार बारात। पूरे का पूरा लंडा भूतनी बन के घोड़े पे बैठा रहता है और साले पूरे गैंग्स रहते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर साले, ये कांडियों की गैंग रहती है, एक लोंडों की गैंग, एक लोंडियों की गैंग, ऐसे ऐसे अजीब गरीब के गानों पे रास्ते हैं साली। उनको सालों उनको तो उनका तो एकदम क्या बोलते हैं ना, नेशनल एंथम होता है ये वाला गाना। कौन सा वाला? नागिन डांस। भाई नाचनी है कुछ भी करके, नागिन डांस पे तो नाचनी ही नाचनी है। ऐसे वाले स्टेप्स यार प्रभु देखा को भी आता नहीं होगा, ऐसे वाले स्टेप्स पे नाचता है बंदा, तो बस ऐसे घोड़े के पास जाके ऐसा 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 करता है। घोड़ा ऐसे घूर के देखता है, साले मैं जानवर हूं या तू जानवर है, ऐसा क्या नाच रहे? वो भी साला 15,000 का सूट लगा के जमीन पे सांप के जैसा रेंगते रेंगते सब कपड़े वपड़े फड़वा देता है यार बंदे तो। और तीसरी बात आई पिलक्कड़ वालों की, पिलक्कड़ वालों की तो और भी बात है यार। पिलक्कड़ वाले तो साला इतना नाचते हैं, गाना बजने से पहले ही शुरू हो जाते हैं, बस ऐसे हाथ हिलता है नहीं तो पैर हिलता है, बॉडी के और कुछ नहीं हिलता है। फिर बाद में ना गाना सब पूरा बारात भी चले जाए, साला जनरेटर की धुड़ 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 साउंड पे भी नाचने लग जाते हैं, बस उनको तो बस कुछ आवाज सुनाई देनी चाहिए, बस ऐसा वाला हाल होती है। कंक्लूडिंग माय डे, थैंक यू।